Bibi. 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 സുന്ദരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വാലൈക്കും അസ്സലാം. കുച്ച് പതാ കി ജേബി കാ? ഹാ ബൈഠ് ജാ, മൈ തുംസേ വൈസേ ഭി ബാത് കർനാ ചാഹതി തി. സീ വോ ജേബി? മൈ ജേബി കി ബാത് കർ രഹി ഹൂം. ഉസ്കി തബീയത് സഹി നഹീ ഹൈ, മൈനേ ഉസേ ദവാ ദി തി. കഹാ ഗയി ഹൂം? വാലി കേ സാഥ ചലി ഗയി ഹൈ. ക്യാ ഹുവാ ഉസേ? വോ ദരസല് കുച്ച് സഹനി തൌർ സേ ബഹുത് ഉൽജീ ഹുഈ ഔർ പരേശാൻ ഹൈ. वैसे भी पहले बच्चे की पैदाइश पे लड़कियां घबराई हुई होती, अरे तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए. एक तो हर कोई मुझे ही समझाता रहता है, रखता तो हूं उसका मैं ख्याल, वो मेरा कितना ख्याल रखती है. देखिए बगैर बताए घर से गायब हो गई है. देखो ये तुम अपना गुस्सा कहीं और जाकर दिखाना. बता तो दिया तुम्हें देवी की तबीयत सही नहीं. परेशानी तबीयत की खराबी नहीं होती, बीमारी जिस्मानी के अलावा जहनी भी हो सकती. आपका क्या मतलब है कि मेरी बीवी नफसियाती मरीज है, यही कहना चाह रही हैं आप? देखो जो मैं कहना चाह रही हूं वो तो ना तुम सुनना चाह रहे हो और ना समझना चाह रहे हो. मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि उसका कोई मसला है, उसे इस वक्त मदद की जरूरत है. सारे मसले सिर्फ उसी के साथ हो सकते हैं, मेरा कोई नहीं सोचता. मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे जाकर कहूं, आखिर कोई मेरा भी मसला हो सकता है. जाहिर है बीवी से कहोगे, लेकिन इस वक्त उसकी तबीयत सही नहीं है, उसे तुम्हारी जरूरत है. इस वक्त तुम उसकी परेशानी बांट लोगे तो वो आइंदा तुम्हें संभाल लेगी. जो अपने आप को ना संभाल सके वो किसी और को क्या संभालेगी. ये लहजा तुम्हारा जेबी सुनती होगी और बर्दाश्त करती होगी. मैं कान पकड़ के ऐसे आदमी को बाहर निकाल दू, बल्कि चांटा भी लगा दू. बेहुदा इंसान है, बीवी की बीमारी का कोई ख्याल नहीं, बस अपनी बात दोहराया जा रहा है. इमरान, तुम जब करवट लेते हो मुझे बंद करते हो. और खैर जिंदगी के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते. तेरी यही प्यार वाली बातें तो मेरा हौसला बढ़ाती हैं, वरना दुनिया तो हसदों से भरी पड़ी. नहीं नहीं मेरे भाई, हाँ. तुमसे कौन हसद करने लगा? यार अभी कौन ही मुझसे दूर रखो. एक तो ये बंदा इतना नोकीला क्यों है? मुझे नहीं पता. खैर इमरान, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मुख्तसर करो ना बात को. तुम क्या कह रहे हो? बात ये है कि मैं एक ड्रामा बना रही हूँ. लेकिन क्यों? मैंने सुना है इस फील्ड में मेरे जैसे लोगों की बहुत जरूरत है. ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये एहसास तुम्हें अब क्यों हुआ? यार मेरे को तो अभी भी नहीं होता, लेकिन अम्मी कहने लगी बेटा कभी तो अपने पे भी गौर कर लिया था, तुझे जो भी देखता है वो हैरत में पड़ जाता है. इसका ड्रामे से क्या ताल्लुक है? उसी तरफ आया हूँ मैं. मैंने सोचा जब अल्लाह मियां ने मेरे को हुस्न की इतनी दौलत दी है माशाल्लाह, तो मैं उसका फायदा क्यों ना उठाऊं. बिल्कुल, अब सिर्फ कहानी की तलाश है. अच्छा, और अगर कहानी ना मिली तो? तो मैं खुद लिख लूंगा भाई, इंसान को हर काम आता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. लेकिन मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि इस ड्रामे के पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे मेरे होंगे ना, और हीरो बनेगा तुम्हारा भाई. लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है. मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना. क्या बात? क्या नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. लेकिन असल में मेरे बेचारे माँ बाप कमजोर दिल के, पता नहीं इतनी बड़ी खुशी वो बर्दाश्त भी कर पाएंगे या नहीं. अली देर हो रही है. हाँ चलो 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 अली. मेरे को आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी यार. क्यों, तुम्हारी टांगे क्या टूट गई हैं? अरे यार अचाओ नहीं, मैं सीरियस हूँ. वैसे एक कहानी है मेरे जहन में, अगर वो सुन लो तो थोड़ी देर. सुखे तुम इसकी टांग सेट कर लेना, कहानी किसी और से सुन लेना. क्यों भाई व्यवहार हो रही? कितनी उंगली आई है? कितनी है? कम वक्त हो. कहा था ना मैंने कि सालगिरह वाले दिन देवी को नजर लग गई. देखा, साबित हो गया ना. आखिर कैसे साबित है? आप दिखाए कैसे साबित? ये देखो, सात मिर्ची जलाई थी मैंने. जरा बू आ रही है कोई? सोच रही हूँ कि फिटकरी भी जला ही लूँ, दुश्मन का चेहरा तो नजर आए. तो आप ऐसे करो ना, भाइयों को अपने साथ ले जाए ताकि ये फिटकरी अपनी शक्ल देख ले. मम्मी आप कैसी बातें कर रही है? तेज बुखार था, दवाई खिला दी है, अब तो उतर भी गया. अम्मी आप इसकी बातों पे नहीं आए, ये तो डॉक्टर है, ऐसे ही बोलेगी.
आप वही करें जो आपको करना है, जो जलाना है बताएं, अगर घर में नहीं है तो मैं बाहर से ले आता हूँ, पूरा मोहल्ला जला दे, कूड़ा करकट घास फूस। फिक्र करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, बुखार में कमजोरी हो ही जाती है। आए थे, आए थे, तुम सो रहे थे। अली तुम जाकर महमूद को तो फोन करो, उसे कहना जेबी को बुखार उतर गया। क्यों, उन्हें क्या परवाह की बुखार चढ़े या उतरे, उनको तो सितमत आपा से सुनते ही दौड़ते हुए चला आ जाना चाहिए था, लेकिन उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। ओहो, मुतमईन हो गया होगा कि हम लोग हैं यहाँ ख्याल करने वाले इसका। अभी आप इसको देखती तो इसकी क्या हालत हो रही थी, मुझे ये कैसी खाली खाली नजरों से देख रही थी, पहचाना भी नहीं मुझे। पता नहीं कब से होगा बुखार। तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी तो तुमने महमूद भाई को क्यों नहीं कहा? अब तो ठीक हूँ, आते वक्त अपना पीला जोड़ा भी ले आती, मुझे हीरा की शादी में पहनना था। तुम्हें पता नहीं अली इसे कैसी हालत में लाया था। खैर अभी तो उसकी शादी में एक हफ्ता है, तुम कब वापस जा रहे हो? अम्मी फैशन तुम्हारा ठीक है? तुम्हारा अम्मी उसकी शादी में जाना है, तबीयत खराब है और तुम्हारी शादियों की सोच रही है, पता नहीं कहाँ मारी मारी फिरती है, भटकी रूह की तरह से सारा दिन। चलो जाओ काम करो। अच्छा सर, अली उठो, एक ग्लूकोज का डब्बा लेकर आओ और जूस के लिए सेब लेकर आओ, मैं तुम्हारी सूप बनाती हूँ। थैंक यू। मैं तुम्हारे ख्याली पुलाव बनाता हूँ। अम्मा क्या रूहें वाकई भटकती हैं? बेटा बचपन से सुनते आए हैं कि जो रूहें बेचैन होती है ना वो भटकती रहती हैं, लेकिन ये तो बस कहने की बात है। आपने कभी कोई ऐसी रूह देखी है? अरे या ना करे, तबा तबा मैं क्यों देखने लगी। बेटा वो सुनते हैं कि वो तो खास खास लोगों को नजर आती हैं, जिनसे उन्हें कोई काम होता है। काम क्या मतलब? सुनते हैं कि जिन रूहों का कोई काम यहाँ अधूरा रह जाता है ना दुनिया में, वो फिर वापस आ जाती हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? अम्मा अगर मैं कहूँ कि मैंने क्रू देखी है तो हाय हाय खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करते बेटा। मैं मजाक नहीं करी। अच्छा अच्छा, तुम्हें तेज बुखार थे ना बेटा, बुखार में अक्सर अजीब अजीब ख्याल आते हैं दिमाग में, तो इंसान डर भी जाता है उनसे, ये वजह होगी। अब बुखार उतर गया ना, तब कोई ऐसा ख्याल तुम्हारे जहन में नहीं आएगा। महमूद का फोन आया था ना? नहीं बेटा, ना महमूद आया ना उसने फोन किया, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम दोनों का? झगड़ा पता नहीं अम्मा, याद नहीं है। अच्छा तुम अपने दिमाग पर जोर ना दो, तुम सोचो। यार मैं तो कहता हूँ मिसेस खान को साफ साफ बता दो कि उनकी बेटी तुमसे क्या कह रही है। नहीं नहीं, उसका एतमाद खत्म हो जाएगा मुझ पे से। यार तो तुझे एतमाद कायम करके करना क्या भाई, ये कौन सा रिश्तेदारी जोड़नी उससे? यार मुझे उसकी सरकत से बड़ा दुख हो रहा है, मैं काम भी बहुत अच्छी तरह कर रहा था, मुझे पता है मुझे अच्छी भी लगती है। क्या कहा तुमने? अच्छी लगती है? हाँ, कुछ बातें वाकई बहुत अच्छी है। कौन सी बातें? मैं भी तो बताओ। वो बड़े एतमाद से बात करती है यार, एक रोग नजर आता है उसकी शख्सियत में, तलखी मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका गुस्सा। यार महमूद दुनिया भर के मर्द औरतों की नजाकत को पसंद करते हैं, उनकी तबीयत की नरमी को।